Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. After ages, I'm doing Amazon haul. I remember मैं पहले काफी ज़्यादा frequently करती थी. आजकल मैं shorts form में ज़्यादा haul करने लगी हूँ. But then I was like बहुत सारा सामान है ये मैं shorts में तो definitely नहीं दिखा सकती. So मुझे लगा एक sit and talk video कर लेते हैं और काफी सारा सामान तो मैंने use भी कर लिया तो आपको short review देखने को भी मिल जाएगा. I have shot lot of beauty category stuff from Amazon recently तो सबका एक collective haul होने वाला है. So without any further ado, let's get started. Also हमेशा की तरह हम कंस्ट्रक्शन नॉइज को इग्नोर करेंगे बिकॉज ये हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी. यू गाइज हैव टू बेयर मी एंड कंस्ट्रक्शन नॉइज टुगेदर. सो नंबर वन आइटम दैट आई हैव जो मैंने आई थिंक एक महीने पहले लिया था अमेजोन से वो है ये बटीस्ट का इंस्टेंट हेयर रिफ्रेश ड्राई शैम्पू. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ ड्राई शैम्पू इज समथिंग जो बहुत लड़कियां यूज करती हैं. आई थिंक 2-3 साल से तो काफी हाइप बनी हुई है ड्राई शैम्पूज की. मैंने अभी तो कोई भी ड्राई शैम्पू नहीं यूज किया. सो दिस इज माई फर्स्ट एवर ड्राई शैम्पू और मैंने इसको रिसेंटली टेस्ट भी किया है. काफी बार हेयर बहुत ज्यादा ऑयली होते हैं फिर एकदम कहीं प्लान बन जाता है कहीं जाना होता है एंड देन यू फील लाइक बड़े ऑयली लग रहे हैं ग्रीसी लग रहे हैं. मेरे बाल स्पेसिफिकली बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं सेकंड या थर्ड डे पे बहुत ज्यादा ग्रीसी लगते हैं. सो आई वांट यू टू ट्राई दिस और मैंने ट्राई भी किया. मैंने वीडियो भी एक बनाई थी अपने फोन से. आई जस्ट ट्राई टू इंसर्ट इट हियर. नाउ अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ऑयली है तो आई थिंक ये वर्क नहीं करने वाला बिकॉज ये वाला जो बालों का ऑयल होता है ना ये नहीं वर्क करता. जो ये ड्राई शैम्पू होते हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है ये स्कैल्प पर स्पेसिफिकली वर्क करते हैं. तो अगर आपकी जो स्कैल्प है वो ज्यादा ऑयली ऑयली लग रही है तो ये थोड़ा बहुत वर्क कर जाएंगे. और जो स्कैल्प के पास बाल होते हैं लाइक इतनी लेंथ के बालों पे थोड़ा बहुत ये वर्क कर जाता है. अदरवाइज आपके जो हेयर यहाँ से ग्रीसी दिखते हैं ना वो तभी भी ग्रीसी ही रहते हैं. सो इट्स नॉट इफेक्टिव 100%. बट यार थोड़ा बहुत जुगाड़ के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है. अगर आप बहुत लेट हो रहे हो बाल बहुत ग्रीसी हैं कुछ काम के लिए जाना है कोई मीटिंग के लिए जाना है देन इट्स गुड. एंड ये ज़्यादा भी नहीं यूज़ करना चाहिए. अभी रिसेंटली कोई स्टडी भी आई थी कि जितना भी ये एरोसॉल स्प्रेज होते हैं इसमें केमिकल होता है इट इज़ नॉट सेफ फॉर यू एज वेल. तो जो डिओड्रेंट्स इन सब में से जो केमिकल निकलता है वो इसमें से भी एमिट आउट होता है प्लस वो आपके स्कैल्प में जा रहा है. सो कभी कभी के लिए ठीक है ऑन द गो अगर आपको यूज़ करना है इट्स फाइन. बट रेगुलर यूसेज के लिए आई वुड से जल्दी जाओ और बाल धो लो दैट इज़ लाइक द बेस्ट ऑप्शन. बट और ये है वेरियंट फ्रूटी एंड चीकी चेरी. सो इसकी काफ़ी मीठी मीठी खुशबू है. इसकी बहुत प्रोमिनेंट स्वीट वाली खुशबू आती है. सो इफ़ यू लाइक स्वीट फ्रेगरेंसेज देन यू कैन गो फॉर इट. नेक्स्ट अब वी हैव वाइब्स बिकॉज गर्मी आ चुकी है और जितने ही वाइब्स हों वो कम ही बढ़ते हैं. सबसे पहले मैंने लिए हैं कलाबा के ऑन द गो मेकअप रिमूवर वाइब्स. ये पैक ऑफ टू में आते हैं अमेजोन से. अगर सिंगल पैक लोगे आते उस पर डिलीवरी समथिंग लग रही थी. पैक ऑफ टू पैक ऑफ फोर लोगे तो अच्छा रहेगा और काफ़ी अच्छी डील पर भी मिल जाता है. इसमें काफ़ी सारी क्वान्टिटी आई थी मैंने अभी यूज़ भी कर लिया. सो मैं रेगुलरली मेकअप रिमूवर वाइब्स नहीं यूज़ करती लेकिन जिस दिन मैंने हैवी आई मेकअप किया होता है मस्कारा हैवी होता है या जब मैं ट्रिप पर भी गई थी तभी भी काम आते हैं. मैं इसके ऊपर हल्का सा मैसलर वाटर डाल रही थी एंड देन आई जस्ट रिमूव ऑल द मेकअप. काफ़ी जल्दी रिमूव हो जाता है एंड देन यू कैन नॉर्मली डू योर फेस वॉश. सो ऑल्सो दे सूटेड माई एक्ने प्रोन स्किन एज वेल. इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे मेकअप रिमूवर वाइब्स यूज़ कर चुकी हूँ लेकिन बहुत सारे वाइब्स जो होते हैं मेरी एक्ने प्रोन स्किन को सूट नहीं करते वाइल दिस वन सूट मी परफेक्टली. सो एक मैंने न्यू ब्रांड के मंगाए हैं. वी हैव फेसेस कैनेडा के फ्रेश क्लीन ग्लो मेकअप रिमूवर वाइब्स और ये बहुत क्यूट पैकेजिंग में आए हैं. सो ऐसे छोटे छोटे पैक्स हैं इसके अंदर 3. यू कैन सी एकदम ऐसे छोटे छोटे टाइनी पैक्स आए हैं. मैंने अभी खोला भी नहीं है. दिस इज बाय द वे फॉर 250 MRP है. डिस्काउंट पे आपको अमेजोन से काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा. मैं सबके प्राइजेस यहाँ पर मैंशन कर दूंगी एंड लिंक्स ऑफ कॉर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. नेक्स्ट अब इज समथिंग यू हैव टू बाय व्हेन यू शेयर अ वॉशरूम विद अ मैन. ट्रस्ट मी ये जरूरी है बहुत बिकॉज यू नो व्हेन यू शेयर अ वॉशरूम विद अ मैन ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पी इधर उधर गिर जाती है एंड आई ऑलवेज क्लीन इट सैनिटाइज इट बिकॉज मुझे थोड़ा सा हाइजीन का बहुत ज़्यादा कीड़ा है. सो रिसेंटली मेरे पास पी सेफ ही रखी हुई थी और मेरी पूरी खत्म हो गई. सो मैंने पैक ऑफ टू ऑर्डर करा है. अच्छी डील पे मिल रहा था. यह है सिरोना की इथेनॉल IP स्प्रे. सो ये पी बड़ी है बेसिकली. दिस इज फॉर बिफोर एंड आफ्टर टॉयलेट स्प्रे. मैं आपको खोल के दिखाती हूँ. ये भी ऐसे पैक ऑफ टू में ही आया. अगेन यू कैन नॉट बाय सिंगल. अमेजोन पे मोस्टली जो बहुत सस्ती चीज़ें होती है ना वो आपको सिंगल सिंगल नहीं मिलती. आपको पैक ऑफ टू पैक ऑफ फोर ऐसे लेना पड़ता है. सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक एंड इसके ऊपर लिखा हुआ है दिस इज डिओड्राइजर डिसइनफेक्टेंट लैवेंडर वेरियंट में है. ये डिओड्राइजर टू एलिमिनेट स्टिंक एंड एम्बेरसमेंट डिसइनफेक्ट्स फॉर योर नेक्स्ट पर्सन सेफ्टी फ्रेश हैप्पी एक्सपीरियंस नो वाइपिंग नो स्क्वाटिंग. काफ़ी छोटे भी हैं तो आप ट्रैवल बैग्स में भी डाल सकते हो. लेट मी जस्ट स्मेल इट बिकॉज खुशबू मैटर करती है. लैवेंडर लिखा है वैसे तो इस पर. ओ नाइस. इसके बिल्कुल ऐसी जो लैवेंडर वाली वो रूम फ्रेशनर्स नहीं आते मैं परफ्यूम या मिस नहीं बोलूँगी लिटरली वो रूम फ्रेशनर वाली सी खुशबू है. सो यार काम चल जाएगा. थोड़ी वॉशरूम में भी अच्छी खुशबू हो जाती है. बट यू नीड टू हैव टॉयलेट सीट सैनिटाइजर एट होम एज वेल बिकॉज काफ़ी बार थोड़ा अनहाइजीनिक हो जाता है. सो यार नीड इट. नेक्स्ट
वी हैव लेंसेज रिसेंटली सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आ रहे हैं मेरे शॉर्ट्स पर रील्स पर स्टोरीज पर वो होते हैं लेंसेज कौन से पहने हैं. सो मेरी वेडिंग से पहले मैंने एक महीने पहले काफी सारे लेंसेज ट्राई किए थे बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू वेयर कलर्ड लेंसेज इन ऑल द फंक्शंस. तो मोस्टली जो मैंने उस टाइम पहने थे वो हेजल कलर के पहने थे. मैंने वो एकदम नागिन वाले वैम्पी लेंसेज नहीं पहने बिकॉज ट्रस्ट मी वो नहीं सूट कर रहे थे एंड आई डोंट वॉन्ट लुक वेरी डिफरेंट ऑन वेडिंग फंक्शंस. आई वॉज वेरी क्लियर कि अपनी शादी के हर फंक्शन में वही लगना चाहती हूँ जो मैं हूँ, एटलीस्ट रियलिटी के क्लोज, ऐसे बिल्कुल अजीब नहीं लगना. सो बहुत सारे मेरे पास एक्स्ट्रा पैक्स थे जो मैंने अमेजोन से मंगाए थे. सो ये तो मैंने रिसेंटली मंगाया, ये है फ्रेश लुक का वन डे कलर. इसके अंदर 10 डिस्पोजेबल लेंसेज आते हैं. सो 10 एज इन 5 का आपका पेयर बन जाता है. सो मेरे लिए क्या फायदा है, मेरा जो आई नंबर है वो सेम है, -3.5 -3.5. तो मैं एक बॉक्स लेती हूँ, मेरा काम चल जाता है. बट अगर आपकी आईज का नंबर अलग अलग है तो आपको दो बॉक्सेस देने पड़ेंगे, एक नंबर के अलग और एक नंबर के अलग. सो ये फ्रेश लुक का है वन डे कलर. इसके अंदर 10 वन डे कलर आते हैं एंड द कलर ऑफ दिस लेंस इज प्योर हेजल. यहाँ पर आपको कलर एंड नंबर दोनों दिख रहा होगा. दिस इज द बॉक्स बाय द वे. फ्रेश लुक का सबसे नेचुरल और सबसे सुंदर जो हमारी ब्राउन या ब्लैक आईज पे लगता है ना, ब्राउन एज इन स्किन टोन एंड ब्लैक आईज पे जो लगता है वो प्योर हेजल है. ये बिल्कुल भी फेक नहीं लगता, मतलब एक अच्छा नेचुरल लुक निकल के आता है. बाकी जितने भी लेंसेज हैं वो थोड़े से नागिन टाइप के लग सकते हैं. सो अगर आप कुछ नेचुरल लुकिंग में देख रहे हो फॉर फंक्शंस तो ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी लेंसेज आर गेम चेंजर. लेंस लगा लो, लैशेज लगा लो, फिर तो मतलब एवरेज सा भी आई मेकअप लुक होगा ना, वो तब भी बहुत अच्छा लगने वाला है. जो मेन गेम होती है वो लेंसेज और एक अच्छी लैशेज की होती है. सो या दिस इज रियली नाइस. नेक्स्ट अप वी हैव ओ लेंस के. दिस इज रशियन स्मोकी. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मैंने रिसेंटली एक रील बनाई थी जो मैंने मसूरी में बैठ के बनाई थी, पूरा एक मेकअप लुक क्रिएट किया था. मैंने यही पहने थे एंड दीज आर लिटरली नागिन वाले लेंसेज. वो एकदम क्लेवर वाली जो लुक आती है ना पहन के, वो इसी को लगा के आती है. और ये मैंने अब सारे यूज कर लिए हैं, आई थिंक थोड़े से ही बचे हैं. आई एम ट्राइंग टू फिनिश इट बिकॉज ये मुझे सूट नहीं कर रहा है, खाली दो पेयर बचे हैं. सो 4 लेंसेज एज इन 2 पेयर अब बचा है एंड दीज आर ओके, बट ये बहुत ज्यादा फेक लगते हैं. अब पता नहीं मेरे को ये सूट नहीं करा, बहुत एकदम एक्सट्रीम क्लेवर वाली वाइब्स आती है पहन के. सो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, बट दिस आर इट लुक्स लाइक इन केस यू लाइक नागिन वाले लेंसेज. ये हैं ओ लेंस के स्मोकी रशियन स्मोकी कलर एंड दीज आर अगेन डेली डिस्पोजेबल. या ये वाले भी डेली डिस्पोजेबल हैं, अगेन पावर्ड हैं. सो पावर्ड आइज के लिए एकदम परफेक्ट. पावर्ड लेंसेज एक्सपेंसिव आते हैं. सो अगर आपकी भी आंखों का नंबर है तो बी रेडी, लेंसेज थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं. जो 0 नंबर के लेंसेज होते हैं वो फिर भी सस्ते पड़ते हैं एंड फ्री में पड़ जाते हैं इनफैक्ट, बिकॉज जितनी मेकअप आर्टिस्ट होती हैं वो 0 नंबर के लेंसेज आपको फ्री में देती हैं. वो लेंसेज आपको पैकेज में देंगे ही देंगे. मेरे ऑब्वियसली नंबर आइज थी तो मैं अपना लेके गई थी, बट अदरवाइज अगर आपका कोई फंक्शन है तो आपने मेकअप आर्टिस्ट बुक कराया और 0 नंबर है आपका, तो आपको डेफिनेटली मेकअप आर्टिस्ट देगी, बट अदरवाइज यू हैव टू बाय फॉर योरसेल्फ. एंड एट लास्ट वी हैव नॉर्मल लेंसेज, बिकॉज ये तो चाहिए ही होते हैं. एवरीडे बेसिस पे मैं नॉर्मल लेंसेज पहनती हूँ. बाय द वे दिस इज माय नेचुरल आई कलर और ये वाले मैं आजकल यूज कर रही हूँ बॉश एंड लॉम के आई कनेक्ट. इसके अंदर भी 3 पेयर आते हैं. सो एज इन इसमें 6 लेंसेज आते हैं, तो 3 पेयर एंड दीज आर मंथली डिस्पोजेबल. तो मंथली डिस्पोजेबल है, इसका मतलब ये नहीं है मैं 30 डेज तक इसको पहनूंगी. मैं 15-20 डेज के बाद चेंज कर देती हूँ, एज इन जब मुझे लगता है कि लेंस लगाने के बाद मेरी आईज इरिटेट हो रही है, हल्की सी ड्राई फील हो रही है, आई चेंज द लेंस. तो 30 डेज तो मैं नहीं चलाती, मैं 20-25 डेज के अराउंड चलाती हूँ. बट दीज आर गुड, ये प्लेन आते हैं. अगेन ये भी मेरे पावर्ड हैं एंड वी हैव समथिंग लाइक दिस. ऐसे इसमें 3 पेयर आते हैं. सो आपको इसमें 3 ऐसे पेयर मिलते हैं एंड दीज आर कम्प्लीटली नेचुरल वाले जो लेंसेज होते हैं, वो ये लेंसेज हैं. सो अगर आप एकदम नेचुरल लेंसेज भी देख रहे हो, यू कैन गो फॉर दिस वन, अदरवाइज ये कलर्ड लेंसेज तो हैं ही. नेक्स्ट अप आई रीस्टॉक 2 आइटम्स जो मैं हर बार लेती ही लेती हूँ. एवरी मंथ का मेरा ये एसेंशियल है. सबसे पहले है सेवामेट का ये क्लियर फेस जेल, केयर जेल बेसिकली. ये कुछ इस तरह से दिखता है. सो ये मेरे डर्मेट ने मुझे रिकमेंड किया था. ये एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट जेल है. सो इसके अंदर मुझे अपनी रेटिनॉल वाली जो क्रीम है ना, जो मेडिकेटेड क्रीम है, उसको मिक्स करके लगाना होता है. सो ये बेसिकली एक मिक्सर का काम करता है. सो मैं डायरेक्टली लगाती हूँ उस क्रीम में मिक्स करके, फिर एक्ने एरियाज पे लगाती हूँ. बट अदरवाइज अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, आप कोई मॉइस्चराइजर लगाते हो, आपकी स्किन ग्रीसी हो जाती है, चिपचिप लगती है, देन यू कैन गो फॉर दिस वन, बिकॉज जेल बेस्ड है ना तो काफ़ी अच्छा रहता है, हैवी फील नहीं होता. समर्स के लिए काफ़ी अच्छा है. जिनकी भी एक्सट्रीम एक्ने प्रोन स्किन होती है ना, उनको सेवामेट का फेस वॉश और ये जेल डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए. इसका कॉम्बो भी आता है बाय द वे, अगर अवेलेबल होगा अमेजोन पे मैं नीचे लिंक कर दूंगी. फेस वॉश पंप वाला आता है और ये जेल आता है. फेस वॉश पास मेरे घर पे वहां पर पड़ा है, यहाँ पर नहीं है, बट बोथ ऑफ देम आर रियली नाइस. आई रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने वो कॉम्बो ही मंगाया था बिकॉज वो डील पर सस्ता पड़ रहा था. मॉइस्चराइजिंग कॉम्प्लेक्स विद हाइलुरॉन एलोवेरा है इसके अंदर. इट हैज एलेंटोइन, पेंथेनॉल जो सूथ करता है स्किन को. सो अगर आपको किसी प्रोडक्ट की वजह से भी जैसे काफी एलर्जी हो जाती है, रिएक्शन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, उस केस में भी ये केयर जेल काफी अच्छा है. तो ये आई थिंक मस्ट हैव है, जो आपकी वैनिटी में होना ही चाहिए. वी हैव बायोडर्मा की फोटोडर्म एक्वा फ्लूइड SPF 50+ एंड दिस वन इज फॉर सेंसिटिव स्किन.
मॉइस्चराइजिंग अल्ट्रा लाइट टेक्सचर और ये है इन द शेड लाइट. सो ये बेसिकली एक बीबी क्रीम सॉर्ट ऑफ कवरेज देती है. सो ये कुछ ऐसे नॉजल में आती है, यू कैन सी फ्रॉम द पैकेजिंग मैंने कितनी यूज कर लिया है. सो जिस दिन मेरा मन नहीं होता हैवी मेकअप करने का, वॉट आई डू, मैं इसको अच्छे से लगाती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली सनस्क्रीन है, तो टू फिंगर रूल के हिसाब से अच्छे से लगा लेती हूँ और इससे अच्छी डिसेंट कवरेज मुझे मिल जाती है. और इसके ऊपर मैं फिर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेती हूँ एंड दैट्स इट. ये एक तरह से मेरी नो मेकअप मेकअप लुक का पार्ट है. सो अगर आपको भी हैवी मेकअप नहीं करना पसंद, एवरीडे बेसिस के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है. एंड अगेन दिस इज डर्मैट रिकमेंडेड. जिनकी एक्सट्रीम एक्ने प्रोन कंडीशन होती है उनको डर्मैट ऐसे ही सनस्क्रीन रिकमेंड करते हैं. ये थोड़ा बहुत मेकअप का भी काम करती है और आपको सन प्रोटेक्शन भी देती है. सो दिस इज हाउ द लाइट शेड लुक्स लाइक. ये ब्लेंड होने के बाद काफी अच्छा लगता है और ये सिंस स्किन कलर का ही है ना, तो ये व्हाइट कास्ट नहीं देता. इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं आती. द ओनली थिंग अबाउट दिस सनस्क्रीन इज ये थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग है, थोड़ी सी भी नहीं बोलूंगी, अच्छी खासी मॉइस्चराइजिंग और नरिशिंग है. तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वेल एंड गुड, बट फॉर ऑयली स्किन आपको इसको कॉम्पैक्ट से सेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी स्किन ग्रीसी हो सकती है और ज्यादा ऑयल सिक्रीट करेगी. सो इसको मैं स्पेसिफिकली तभी यूज करती हूँ जिस दिन मेरा मन होता है नो मेकअप मेकअप लुक करने का, या फिर जिस दिन मेरी स्किन बहुत ड्राई होती है बिकॉज ऑफ ऑल द एक्ने जेल्स दैट आई एम यूजिंग. नेक्स्ट वी हैव अनदर एसेंशियल कलर बार का, ये एसीटोन फ्री नेल इनामल रिमूवर. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नेल पेंट रिमूवर. मैंने बहुत सारे नेल पेंट रिमूवर ट्राई करे हैं, मैं नायका के और भी ब्रांड्स के, बट ये जैसा वर्क करता है ना कोई और वैसा वर्क ही नहीं करता. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वांटिटी इज रियली नाइस. आपको आई थिंक 90-100 में जब डील आती है अमेजोन पे, ये ₹100 भी आपको मिल जाता है. क्वांटिटी काफी अच्छी है, काफी लंबा चलता है. यू कैन सी मैंने 2 महीने में खाली इतना ही यूज किया है बिकॉज आपको थोड़ा सा ही चाहिए और अच्छे से नेल पेंट को रिमूव कर देता है. एंड दिस इज एसीटोन फ्री, टॉलिगिन फ्री, डीपीपी फ्री एंड इट इज सेफ फॉर योर नेल्स एज वेल. काफी बार जब आप वो लोकल वाले नेल पेंट रिमूवर लेते हो ना, आप उससे नेल पेंट हटाओगे आपके नेल्स जैसे व्हाइट व्हाइट हो जाते हैं, ड्राई फील होते हैं. इसके साथ ऐसा नहीं होता. सो या जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ योर नेल्स, प्लीज मेक श्योर कि आप अच्छा नेल पेंट रिमूवर यूज करो एंड दिस इज वन ऑफ देम. नेक्स्ट आइटम्स आर समथिंग जो मैंने अपनी क्लासेस के लिए मंगाए हैं. सो मैंने सेल्फ यूज के लिए नहीं मंगाए, मैंने अपनी मेकअप क्लासेस के लिए मंगाया बिकॉज वहां पर मॉडल का भी मेकअप करना होता है. एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपना मेकअप खुद ही लेके जाऊँ जब मैं मॉडल का मेकअप करती हूँ, सो दैट मेरे पास अपने प्रोडक्ट से भी एक लुक अच्छी रेडी हो पाए. सो मैंने मंगवाया है ये आया करके ब्रांड है कोई वाटरप्रूफ आईलाइनर. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई वॉज सर्चिंग फॉर आई लाइनर्स गोल्डन एंड सिल्वर स्पेसिफिकली बिकॉज जब हम वो ग्लैमरस एंड थोड़ी सी सेक्सी वाली लुक क्रिएट करते हैं, मेरा एडवांस मेकअप है तो उसके अंदर हेयर टॉपिक्स हैं, ग्लैम एंड ग्लिट्स ऐसे, हमें रेड कार्पेट वाले मेकअप, फंकी वाले, फैंसी वाले, फैंटेसी मेकअप क्रिएट करने हैं, तो उसके इसमें ना ऊपर ऐसा लाइनर लगाया जाता है. सो मैं ढूंढ रही थी कुछ अच्छा ब्रांड का मिल जाए एंड अमेजोन पर बहुत सारे लोकल ब्रांड के मिल रहे थे. सो फाइनली मुझे ये दिखा जिसके रिव्यूज भी डिसेंट थे और जो थोड़ा लग रहा था कि अच्छी ब्रांड का है. सो दिस इज क्रुएल्टी फ्री, पैराबेन फ्री, 100% वीगन एंड मेड इन इंडिया. सो जरा इसको ट्राई करके देखते हैं. तो दिस इज हाउ गोल्डन लुक्स लाइक. काफी एकदम छटाक वाला शेड लग रहा है, बट ट्रस्ट मी जब वो ग्लैमरस वाले मेकअप करते हैं ना तो उसमें काफी अच्छा लगता है. जस्ट होप ये चंकी ना हो. ब्रश इसका थिक है, ज्यादा पतला ब्रश नहीं है, ब्रश इसका थोड़ा सा थिक है. जस्ट स्वॉच इट, स्वॉच करके कैसा लगता है. ओह ओके, इट्स डिसेंट, इट्स नॉट दैट ग्लिटरी, बट या कैन यू सी, अच्छा लग रहा है. मतलब इतना चंकी नहीं लग रहा है, इतना लाउड नहीं लग रहा है. काफ़ी सारे जो ग्लिटर आईलाइनर होते हैं उसमें बहुत चंकी चंकी पार्टिकल्स होते हैं, इसमें चंकी पार्टिकल्स नहीं है. सो विच इज़ अ गुड थिंग. सो दिस इज हाउ द गोल्डन शेड लुक्स लाइक. एग्जैक्टली नॉट सिल्वर, मतलब एक जो सिल्वर की मेटालिक फिनिश आती है ना, ये मेटालिक नहीं है, थोड़ा आइवरी जैसा लग रहा है. सी मतलब कैमरे पर लग रहा है, बट आई डोंट नो, रियल में इतना मेटालिक वाली फिनिश दे नहीं रहा, बहुत वाइटिश वाइटिश लग रहा है. बट चलो ठीक है, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है. मुझे भी प्रैक्टिस ही करनी है तो मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव लेना नहीं चाहती थी. मेरा सूख गया एक बार, ज़रा स्मज टेस्ट करके देखते हैं. सो इट इज़ नॉट स्मजिंग. ओके वेरी गुड, इट इज़ नॉट स्मजिंग एट ऑल. बट जितना मैं ज़्यादा रगड़ूंगी ऑब्वियसली वो चीज़ निकल जाएगी, बट नहीं निकल भी नहीं रही. दिस इज़ नाइस. ओके ये इतना स्मज भी नहीं हो रहा, विच इज़ अ गुड थिंग. सी मैं इसको कितना प्रेशर लगा के हटा रही हूँ बट ये स्मज नहीं हो रहा. सो डेफिनेटली दीज आर स्मज प्रूफ, अगर अफोर्डेबल प्राइस पे है और डील पे अच्छी मिल रही हो सो डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट जो कल रिसीव हुआ है, ये भी मैंने अपनी क्लासेस के लिए मंगवाया है. सो आई वाज सर्चिंग फॉर कलरफुल आई शेडो पैलेट और मेरी जो क्लासेस में यूज होता है ना वो यही पर्टिकुलर वाला पैलेट यूज होता है. सो मुझे अमेजोन पे दिख गया, मैंने ऑर्डर कर दिया. आई थिंक ये ओरिजिनल नहीं है बिकॉज ये अभी भी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है. आई थिंक अमेजोन नायका पर तो ये बिल्ली रहा, सो आई थिंक फर्स्ट कॉपी होगी इफ आई एम
नॉट रॉन्ग. दो पैकेजिंग बहुत फैंसी है, पूरा अच्छा दिख रहा है, बट आई डोंट नो, आई डाउट कि ओरिजिनल नहीं है. मैंने 1600 का लिया बाय द वे. सो ये है बी परफेक्ट का कार्निवल प्रो पैलेट. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पिगमेंट्स, शिमर्स एंड ग्लोज. स्टेसी मैरी का है बेसिकली, जो मेकअप आर्टिस्ट है. इनका रिसेंटली कोई मेकअप आर्टिस्ट का इवेंट भी हुआ था, इसमें ऑफिशियली लॉन्च हुआ है. सो आई एम नॉट श्योर, मैंने बस क्लासेस में देखा. मैंने मैम से पूछा कि ये वाला ले लूँ, शी सेड यार ले लो, तो मैंने ऑर्डर कर दिया. सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक एंड दिस इज द मोस्ट कलरफुल पैलेट. लिटरली इसका नाम कार्निवल है ना, तो ये कार्निवल जैसा ही दिखता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ फुल साइज मिरर, विच इज अ वेरी गुड थिंग. हमें अच्छा खासा एक बड़ा मिरर मिल रहा है. एंड देन दीज आर द शेड. ये हमारी क्लासेस में भी ये यूज होता है, और इससे सारी लुक बहुत अच्छी क्रिएट होती है. मतलब लुक एट द कलर पैलेट. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे शिमर वाले शेड्स मिलते हैं, जो आप हाईलाइटर की तरह भी यूज कर सकते हो. एंड द कलरफुल शेड्स आर सो ब्यूटिफुल. इसके अंदर शिमर भी है, मैट भी है. मोस्टली जो एकदम कलर्स लाउड वाले हैं वो मैट है, लाइक ये पूरे मैट लाइन है. देन ये लाइन में थोड़े से मैट है. वी हैव अ ब्लू शिमर, रेड का शिमर, एक्वा कलर का एक शिमर है, रेड का एक शिमर है. सो शिमर और मैट का काफ़ी अच्छा बैलेंस है. सो अगर आप भी एक आई शेडो पैलेट लेना चाहते हो फॉर प्रैक्टिसिंग, या फिर एक कलरफुल पैलेट चाहिए लुक्स क्रिएट करने के लिए, लाइक हमें हल्दी मेहंदी की काफ़ी सारी कलरफुल लुक्स भी क्रिएट करनी होती है, तो इसी के लिए मैंने ये लिया है. लेट मी शो यू द पिगमेंट क्वालिटी. सो एक बार ज़रा कोई कलरफुल सा स्वॉच करके देखते हैं. रेड स्वॉच करते हैं, मरून स्वॉच करते हैं, देन कोई अलग कलर ले, ब्लू स्वॉच करके देखते हैं. नाउ दीज आर नॉट पाउडरी, जैसे एक होता ना आप ऐसे करते हो सारा पाउडर पाउडर निकल जाता है, इसमें बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा. सो पिगमेंट की क्वालिटी मुझे ठीक ठाक ही लग रही है. एक बार ज़रा स्वॉच करके देखते हैं. Ooh, it's nice. These are not all chalky. बिल्कुल भी चौकी नहीं है. मैंने ऐसे ऐसे करके जब पैलेट पे भी स्वर्ल अराउंड किया, कोई भी किकबैक नहीं आया, कुछ भी ऐसे झड़ नहीं रहा. सो ओवरऑल अभी तक तो इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है. एंड द कलर्स आर सुपर प्रिटी, लाइक लुक एट दिस. ये ब्लू कितना प्यारा है. बहुत कम पैलेट होते हैं जिसमें ऐसा वाला कलर मिलता है. द कलर्स आर डेफिनेटली वेरी वेरी प्रिटी. सो डेफिनेटली आई विल ट्राई, मैं इससे कोई ना कोई लुक क्रिएट करने की कोशिश करूंगी. बाय द वे, इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू आर फ्रॉम दिल्ली और वेस्ट दिल्ली, मुझे मॉडल्स चाहिए अपने मेकअप क्लासेस के लिए. मुझे लुक्स क्रिएट करनी होती हैं, सो आई रियली नीड सम मॉडल्स फॉर क्रिएटिंग द लुक्स. सो जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज़ डी एम यू ऑन इंस्टाग्राम, आई विल जस्ट रीच आउट टू यू. अभी मेरे काफ़ी सारे लुक्स पेंडिंग हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे से मिलने के लिए, मेरे से मेकअप करवाने के लिए, सो प्लीज़ डी एम यू ऑन इंस्टाग्राम, आई विल डेफिनेटली कनेक्ट विद यू. आई नो ये ब्यूटी हॉल है, लेकिन कोई भी अमेजोन हॉल इज इनकम्प्लीट विदाउट एक्सेसरीज. मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेसरीज लेती रहती हूँ. सो रिसेंटली मैंने एक जूल्स गैलेक्सी की ली थी, जिसका बॉक्स मुझे नहीं मिल रहा है. वो मैंने पहले भी खरीदा हुआ है, रीपर्चेज्ड इट, और वही वाले हुप्स मैं काफ़ी बार पहन चुकी हूँ रिसेंटली. आई गॉट लॉट ऑफ कॉमेंट्स एज वेल कि वाले हुप्स कहाँ से लिए, तो मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी. दीज आर फ्रॉम जूल्स गैलेक्सी. इसके अलावा मैंने ये वाला भी हुप्स का सेट लिया है, दिस इज फ्रॉम शाइनिंग डीवा. ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है. अगेन सेम वही टाइप ऑफ कलेक्शन है जो जूल्स गैलेक्सी की आती है. तो ये जो बड़े वाला पैक है ना, ये सस्ता मिल रहा था, तो मैंने इसलिए ले लिया अमेजोन से. तो इसमें आपको मिलते हैं ये वाले हुप्स. मैं एक बार पैकेट निकाल के दिखाती हूँ. सो यू गेट नॉर्मल हुप्स एज वेल, और जो हैंगिंग वाले इयर रिंग्स होते हैं ना वो तो मिलते ही हैं इसके साथ. सो ये ऐसे पर्ल वाले हैं, ये वाले इयर रिंग्स हैं, देन छोटे छोटे वाले हुप्स भी हैं, ये छोटे पर्ल वाले भी हैं, प्लेन वाले हुप्स भी हैं. दीज आर सेमी हुप्स बाय द वे, जो ऐसे पीछे से ऐसे खुले होते हैं. इसके अंदर थोड़े से और मोटे वाले हुप्स हैं, जैसे मल्टी वाले आते हैं. ये मैंने काफ़ी बार पहले पहने हुए हैं. वी हैव प्लेन इयर रिंग्स एज वेल, ये छोटे वाले हुप्स भी हैं. देन वी हैव दीज पर्ल वाले हुप्स एज वेल. सो ये दोनों काफ़ी अच्छे हैं. आई थिंक दीज आर बेसिक कलेक्शन जो होनी चाहिए, बिकॉज आप जितने भी डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट पहनते हो ऐसे हुप जरूरी होते हैं. दे काइंड ऑफ एलिवेट ऑल योर फैशन लुक. सो या आप सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं और लंबे भी चल जाते हैं. द क्वालिटी इज रियली नाइस, यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ देम. ऐसे नहीं आपने बाहर कहीं रख दिया, इसके ऊपर परफ्यूम लगा दिया. दिस द हॉल इज ओवर. इन सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे रिसेप्शन बॉक्स में, प्लीज चेक कर लेना. काफी सारी चीजों पर तो सेल भी चल रही होगी, बिकॉज मोस्टली मैंने जो चीजें लिया वो डील से ही लिया, और अमेजोन की डील ऐसे चलती रहती है. सो डेफिनेटली चेक द रिसेप्शन बॉक्स. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.